आगे पर नेगेटिव से क्यों नहीं कंबाइन हो पा रहे, क्योंकि इनके दरमियान सेलिनियम है और सेलिनियम अभी डार्क में है, तो सेलिनियम इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, समझ लो मैं आपको समझाता हूँ कि इस ड्रम के ऊपर इधर लाइट फॉल की, इधर लाइट फॉल की, कुछ कुछ जगहों पर लाइट फॉल की, और ये कुछ कुछ जगहों पर लाइट फॉल करने का मतलब ये है, अब यहाँ पर लाइट फॉल की ना, इसका मतलब है ये वो लाइट है जो कि पेज के वाइट पोर्शन से गुजरी है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये वो हिस्सा कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है जो कि पेज के डार्क पोर्शन से लाइट गुजरी, तो डार्क पोर्शन ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ कोई लाइट नहीं हुई। यहाँ पर लाइट मिली मतलब ये वाइट पोर्शन से, यहाँ पर लाइट क्यों नहीं मिली हमें, क्योंकि ये उस पेज ने जो बीच में पेज था ना, उस पेज ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया इस तरह। तो इस पेज में दो तरह के एरियाज हैं, एक लाइट एरियाज, ये लाइट एरियाज हैं, और ये डार्क एरियाज हैं। ठीक है, अब देखो जो डार्क एरिया है वहां लाइट फॉल नहीं कर रही, तो वहां पे जो सेलिनियम होगा वो इंसुलेटर बिहेव करेगा, और जो लाइट एरियाज हैं वहां पे सेलिनियम कंडक्टर बिहेव करेगा। अब इंसुलेटर और कंडक्टर का मतलब क्या, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई चीज कंडक्टर हो तो वह चार्जेस को पास होने देती है, और जो चीज इंसुलेटर बिहेव करती है वो चार्जेस को पास होने नहीं देती। तो होगा क्या, असल में ये नेगेटिव जो हैं इन पॉजिटिव के पास आना चाह रहे थे, लेकिन जिधर जिधर ये कंडक्टर, देखो इस पोर्शन में सेलिनियम कंडक्टर बन गया, तो इस पोर्शन में जो पॉजिटिव है वो गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो, और न्यूट्रलाइज का मतलब जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव मिल जाता है ना, तो वो चीज न्यूट्रल बन जाती है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज बोलेंगे हम। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इधर जो पॉजिटिव था उस एक नेगेटिव ने आके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब देखो ये डार्क एरियाज हैं, यहाँ पे इंसुलेटर बिहेव कर रहे, तो अब ये जो है, अब जब सेलिनियम इंसुलेटर बिहेव करता है तो वो चार्जेस को पास होने नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इधर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इधर लाइट मिल रही है तो इधर सेलिनियम क्या बन जाएगा, कंडक्टर, जब कंडक्टर बन जाएगा तो ये नेगेटिव अब पॉजिटिव के पास आके इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ से भी पॉजिटिव चार्जेस गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सारे चार्जेस एक रिटेन रहेंगे, क्यों रिटेन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है तो यहाँ से भी पॉजिटिव चार्जेस गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रिटेन रहेंगे। ठीक है, तो जिधर जिधर लाइट फॉल करेगी उन सारी जगहों से पॉजिटिव चार्जेस गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्जेस इस आपके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब आप जरा इधर देखो, कह रहा है कि डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्जेस एंड द लाइट एरियाज बिकम आगे पर कंडक्टिंग एंड लूज देयर पॉजिटिव एक चार्जेस एंड अब न्यूट्रलाइज्ड, कि जो डार्क एरियाज हैं उन पे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो लाइट एरियाज हैं वो एक कंडक्टिंग बन जाएंगे और वो अपने चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो फाइनल इमेज आएगी ना, अब आपने माइंड में रखना है कि ये डार्क और लाइट किसको कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, असल में ये डॉक्यूमेंट को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, कि डॉक्यूमेंट का जो हिस्सा डार्क था और जो जहाँ से लाइट पास कर गई थी वो हिस्सा लाइट बन गया था, और जहाँ से लाइट पास नहीं की थी तो वो डार्क बन गया था। अब असल में मेरे पास डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेज किस तरह की आएगी, अब आप ज़रा इस चीज़ को नोटिस करो। अब अगर आप इस पिक्चर में आओ ज़रा देखो, अब अगर आप इस पिक्चर में नोटिस करो, असल में चार्ज जो था वो पूरे एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर था, लेकिन अगर आप इस इमेज में देखो तो इस इमेज में जो चार्ज अब शो हो रहा है वो पूरे ड्रम के ऊपर नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, देखो असल में जहाँ जहाँ चार्ज शो नहीं हो रहा ना, ये चार्जेस मैंने इधर ये बनाए हुए, असल में चार्जेस हैं ये जो ब्लू से शो हुए हैं ना, ये चार्जेस हैं। अब बाकी चार्जेस कहाँ गए, बाकी चार्जेस गायब हो गए, क्यों, क्योंकि देखो इन जगहों में से, ये जो जहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, इन जगहों में से लाइट पास कर गई, जब इन जगहों में से लाइट पास कर गई उन जगहों पे सेलिनियम क्या बन गया, कंडक्टर बन गया, और कंडक्टर बनने की वजह से उन जगहों पे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, तो सारी जगहों से चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन कुछ जगहों पे सेलिनियम इंसुलेटर बिहेव कर रहा था, और वो कौन सी जगह थी, वो ये 3 वाली जगह थी, क्योंकि जब लाइट इस 3 में से गुजरेगी तो वो लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, तो इन जगहों पर लाइट नहीं फॉल की थी, ये चीज़ याद रखो, इन जगहों पर लाइट फॉल नहीं की थी, जब इन जगहों पे लाइट फॉल नहीं की तो इन जगहों पे सेलिनियम इंसुलेटर बिहेव कर रहा था, और इंसुलेटर बिहेव करने की वजह से उसने चार्जेस को न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपको एक चार्ज्ड इमेज मिल गई, मतलब ये इमेज तो है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस हैं,
इस इमेज को आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है, ये इमेज चार्जेस की फॉर्म में, और अगर मैं इसको बनाऊं यहां पे, तो इस ये असल में ड्रम के ऊपर, तो ये इमेज इस तरह की बनी हुई होगी, थ्री ही होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इस इमेज के दो प्रॉब्लम्स हैं, अब जरा प्रॉब्लम्स देखो। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि ये इमेज एक तो चार्ज्ड इमेज है, ये इमेज हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन इमेज ये बनी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये इमेज ड्रम के ऊपर है, मुझे तो इमेज किसी न्यू पेज के ऊपर चाहिए ना, फोटो इसको मैं जिसको आपके पास फोटो कॉपी कराना था, तो इसके अब दो प्रॉब्लम ये हैं, एक तो इमेज हमें यहाँ पे आपके यहाँ पे नजर नहीं आ रही, और दूसरा इसको हमें सेपरेट पेज पे चाहिए। तो सबसे पहले मसला हल करते हैं, इसको हम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे विजिबल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा डेवलपिंग। अब डेवलपिंग का वर्ड अगर आपको याद हो, पुराने कैमरों में होता था, रील्स वाले जो कैमरे होते थे जिनमें माइक्रो फिल्म यूज होती थी, उनमें भी कैमरों में रील होती थी, वो रील आप जाके शॉपकीपर को देते थे और वो जो है आपको उसको एक डेवलप करके देता था। तो यहाँ भी यही काम है, ये जो हमारे पर ड्रम के ऊपर इमेज बनी है इसको हमें विजिबल करना है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि असल में हम फोटोकॉपियर में टोनर यूज करते हैं, और टोनर होता क्या, देखो टोनर असल में कार्बन ही होता है, कार्बन की चारकोल फॉर्म, एनिमल चारकोल भी कहते हैं इसको, और ये पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत फाइन, जिस तरह आप घरों में जो पाउडर यूज करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन कह लो ये ब्लैक फॉर्म में है, ठीक है। और ये टोनर जो है ये कार्बन चारकोल होता है पाउडर फॉर्म में। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास एक चार्ज्ड इमेज बन गई इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टोनर लूंगा, और टोनर फोटोकॉपियर में जिस चीज में स्टोर होता है ना उसको कहते हैं कार्टेज। कार्टेज की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मेरे हाथ से यही स्पेलिंग है कार्टेज की। तो मार्केट वाले ये कहते हैं कि हमारा कार्टेज खत्म हो गया है, तो कार्टेज का मतलब है कार्टेज के अंदर टोनर उनका खत्म हो गया होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोनर को हम नेगेटिव चार्ज देंगे। अब नेगेटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रम के ऊपर जो इमेज बनी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोनर को नेगेटिव चार्ज देंगे, और इस टोनर को स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे उस ड्रम के ऊपर। अब देखो होगा क्या, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो ड्रम के ऊपर इमेज बनी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही मैं इस टोनर को उस ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करूंगा, ये टोनर ऑटोमेटिकली उस जो चार्ज इमेज के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देखो, तो ये मेरे पास एक चार्ज इमेज बनी हुई है, ठीक है, और इस चार्ज इमेज के ऊपर मैं अब टोनर स्प्रिंकल कर रहा हूं, और टोनर एक ब्लैक पाउडर है, और वो उस टोनर के ऊपर, उस टोनर को हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो वो टोनर इस इमेज के ऊपर आ जाएगा। और कहाँ कहाँ पे आएगा, जहां जहां ये पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। और ये इधर पॉजिटिव पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टोनर को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो टोनर इधर उधर कहीं मूव ही नहीं करेगा, वो सिर्फ नेगेटिव से जो टोनर जो का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और अब हमें यहाँ पे एक विजिबल इमेज नजर आ जाएगी। और विजिबल क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि टोनर एक पाउडर है जो कि आप देख सकते हो, तो ये मेरे पास एक टोनर वाली इमेज आ गई थ्री की, ठीक है, तो ये मेरे पास थ्री बना हुआ आ गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी दो प्रॉब्लम है बीवी। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये ड्रम के ऊपर ही है, तो ड्रम के ऊपर थ्री बना हुआ आ गया, लेकिन एक तो ड्रम के ऊपर है, दूसरा ये है ये पाउडर है अभी, और पाउडर आप देखते हो, अगर आप पाउडर को आप अपने हाथ में पाउडर लो, उसको अगर आप हाथ लगाओ तो वो स्मच कर जाएगा, वो फैल जाएगा, है ना। तो इस ड्रम के ऊपर जो इमेज है ये खराब हो सकती है अगर इस पर कोई भी चीज़ टच करे, तो एक तो हमने इस इमेज को परमानेंट करना है, और दूसरा हमने इस इमेज को एक सेपरेट एक पेज पर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, इस इमेज को एक सेपरेट पेज पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आप तो इसकी देखो थ्योरी देख लो, आप डेवलपिंग की, इन दिस स्टेप आ स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल टोनर, और टोनर होता क्या है, कार्बन चारकोल है, इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज एंड देन स्प्रेड ऑन टू द ड्रम वेयर इट एडहेयर्स। अब आपके पास यहाँ पे ये क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पे एडहेयर क्या होता है, स्टिक, किसी चीज के चिपकने को एडहेयर कहते हैं, उसकी आपके पास स्टिकिंग पावर। तो ये एडहेयर क्यों कर रहा है, क्योंकि टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उस पेज के ऊपर जो इमेज बनी हुई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो टोनर था ये उस इमेज के ऊपर एडहेयर हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। और किन किन पॉइंट्स पे चिपकेगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, तो आगे ये कह रहा है कि सिलेक्टिवली ऑन द पॉजिटिवली चार्ज एरियाज टू फॉर्म अ विजिबल इमेज ऑन द ड्रम। आप चाहो तो इसको आप इधर देख भी लो, ये मेरे पास चार्जेस की फॉर्म में इमेज थी पहले किया इसको, ये मैंने ये जो एक माइनस शो किए हैं नेगेटिव, ये टोनर है, तो टोनर असल में मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और टोनर इधर आहिस्ता आहिस्ता अटैच हो रहा है, तो मेरे पास थोड़े टाइम बाद एक ड्रम पे इमेज बन जाएगी थ्री की इमेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि इसको हम एक सेपरेट पेज पे ट्रांसफर करेंगे,
जो कि होगा ट्रांसफरिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टेप नंबर 3 देखा था, जिसमें हमारे पास ड्रम के ऊपर जो है वो इमेज आ गई थी, विजिबल इमेज आ गई थी। और लेकिन प्रॉब्लम मैंने ये कहा था उस इमेज में, प्रॉब्लम ये है, एक तो वो ड्रम के ऊपर है और दूसरा वो इमेज अभी आपके पास यहाँ पे परमानेंट इमेज नहीं है, मतलब उस ड्रम के ऊपर अभी एक पाउडर की फॉर्म में है और उस पाउडर को अगर आप कोई भी चीज़ टच की तो वो पाउडर डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी पोजिशन से। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे उस ड्रम के ऊपर जो इमेज बनी है उसको एक नए पेज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो हेडिंग नंबर 4 होगी ट्रांसफरिंग। ठीक है, और ट्रांसफरिंग का मतलब है कि वो जो ड्रम के ऊपर इमेज बनी है, 3 की इमेज बन गई, अब उसको बस अब मैंने एक सेपरेट पेज के ऊपर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप है। तो कह रहे हैं फोर्थ स्टेप आपके पे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इमेज, और वो इमेज जो है वो ड्रम के ऊपर बनी हुई है, और दूसरी ये चीज़ वो इमेज अभी टोनर की है। ठीक है, और उस इमेज को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर ऑन टू अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। इसलिए अगर आप देखो कि फोटोकॉपी मशीन में आप ब्लैंक पेपर्स भी प्रोवाइड करते हो, A4 शीट्स के या आपके पास लेटर साइज के, और वो पेजेस भी प्रोवाइड करते हो ताकि उन पेजेस के ऊपर प्रिंट हो के आए। ठीक है, अब असल में एक चीज़ समझने वाली क्या है, देखो अब अगर मैं आपको इस पेज का साइड व्यू दिखाऊं ना, अगर आप इस पेज के साइड व्यू को सबसे पहले समझो, सॉरी ड्रम के, ये मैं आपको ड्रम का साइड व्यू दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस थे, और ये जो पॉजिटिव, या मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, असल में ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन असल में मैं ये असल में 3 यूं लिखा हुआ था इस तरह, लेकिन मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं चार्जेस इस तरह शो कर रहा हूँ। तो असल में ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन साइड व्यू। फिर हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर टोनर फॉल करा दिया था, और टोनर जो था वो नेगेटिव चार्ज था, तो टोनर उन उन जगहों पे आ गया था, और इस टोनर के आने की वजह से ये जो इमेज थी ये विजिबल हो गई थी। ठीक है, अब मसला क्या है, ये तो अभी मैंने कहा ड्रम के ऊपर बना हुआ है, ये मैं आपको ड्रम का साइड व्यू दिखा रहा हूँ। अब मैंने करना क्या है, मैंने ये करना है कि ये जो मेरे पास इमेज बनी है ना, इसको मैंने एक ब्लैंक पेज के ऊपर ट्रांसफर करना है। ये मेरे पास ब्लैंक पेपर है। ठीक है, अब देखो मसला क्या है, ये जो असल में टोनर है ना, इस टोनर की वजह से इमेज विजिबल हुई है। ठीक है, अब ये टोनर जो है इस पेज की तरफ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इस टोनर को इस ड्रम के पॉजिटिव एक चार्जेस ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अटैच किया हुआ है। ये नेगेटिव कभी भी इस पेज की तरफ जाना नहीं जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैंने फिर भी इस टोनर को, क्योंकि असल में अगर मैंने टोनर को ट्रांसफर कर दिया उसी तरह, तो मुझे इस पेज के ऊपर इमेज मिल जाएगी। आप इसको किस तरह सोच सकते हो, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ज़मीन पे आप पाउडर लो, जो घर में जो पाउडर होता है, उस पाउडर से आप कुछ लिखो घर में। ठीक है, समझ लो आप 3 ही लिख लो, क्योंकि हम 3 समझ रहे हैं ना, 3 को प्रिंट करा, फोटो कॉपी करा रहे हैं। आप ज़मीन पर पाउडर लो, पाउडर से 3 लिखो। ठीक है, और फिर आप अपना हाथ लो और बिल्कुल स्ट्रेट जाके आप उस पाउडर के ऊपर करो, होगा क्या, वो जो आपने ज़मीन पे पाउडर से 3 लिखा होगा ना, वो सारे का सारा पाउडर जो है वो आपके हाथ पे भी 3 की इमेज आ जाएगी। ऐसा ही है ना, तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काम इतना आसान नहीं है। वहाँ तो वो पाउडर आसानी से आपके हाथ पे, आपके पास यहाँ पे अटैच हो गया था, लेकिन यहाँ ये काम आसान क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टोनर है वो इस ड्रम के पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट हुआ हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्जेस इस टोनर को, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये टोनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस टोनर को इधर ट्रांसफर नहीं होने देंगे इतनी आसानी से। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हमने इस ब्लैंक पेज को पहले एक और कोरोट्रॉन के साथ कनेक्ट करना है। अब देखो दोबारा कोरोट्रॉन आ गया, और कोरोट्रॉन का क्या काम था, कोरोट्रॉन का ये काम होता है चार्जिंग प्रोवाइड करना। अब इधर कोरोट्रॉन क्या करेगा, कोरोट्रॉन इस पेज को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस कोरोट्रॉन ने इस पूरे पेज को पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड कर दिए। अब देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके राइट साइड पे भी पॉजिटिव हैं, लेफ्ट साइड पे भी पॉजिटिव हैं, तो ये मूव कहाँ करेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस इधर राइट साइड, जो न्यू पेज पे जो पॉजिटिव आया है और ड्रम के ऊपर, अगर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सेम हो ना, तो ये पॉजिटिव चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे। तो आप ये कहोगे कि हमने इस पेज को जो पोटेंशियल प्रोवाइड करना है ना, वो ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू ड्रम। जिस तरह हमने ड्रम को, आपको याद हो मैंने आपको कहा था, ड्रम को, जो ड्रम को हम पोटेंशियल देते हैं वो तकरीबन 600 वोल्ट का देते हैं, तो पेज को जो पोटेंशियल आपने देना है वो 600 वोल्ट से भी ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर इस नेगेटिव को राइट साइड पे पॉजिटिव ज़्यादा मिलेंगे ना, तब भी ये नेगेटिव इधर मूव करेगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, आपने इन नेगेटिव चार्जेस को राइट साइड पे मूव कराने के लिए आपने इस ब्लैंक पेज को जो पोटेंशियल प्रोवाइड करना है वो इस ड्रम के पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये इस ड्रम के ऊपर जो टोनर अटैच हुआ हुआ है
वो इस पेज की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहां पे समझाया है कि आपके पास यहां पे हाउएवर द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इमेज होल्ड्स द टोनर टू द ड्रम, कि जो ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसने टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या करेंगे? अब सोल्यूशन ये है कि टू ट्रांसफर द टोनर टू द पेपर इज गिवन अ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज देन डेट ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ एनदर क्रोटॉन। अगर आप ये चाह रहे हो कि वो इमेज मतलब टोनर जो है नए पेज के ऊपर ट्रांसफर हो, तो आपने उस नए पेज को जो पोटेंशियल देना है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज देना है, वो उस ड्रम से भी ज्यादा देना है। ठीक है, तो यही आप इधर देख सकते हो इस इमेज में कि ये असल में जो उस पूरे ड्रम के ऊपर वो थ्री की इमेज बनी हुई थी। ठीक है, तो हमने इस ड्रम न्यू पेज जो लिया था, एक तो उसको पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड किए, ठीक है, और फिर हम इस पूरे न्यू पेज को इस ड्रम के ऊपर रिवॉल्व कराएंगे, तो वो जो न्यू पेज है वो इस ड्रम से टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन एक मसला क्या होता है, वो उसने आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, ये जो पेज है इसके ऊपर थ्री की इमेज तो आ जाएगी, लेकिन इस पेज पे कुछ कुछ पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप बाज़ दफ़ा ये देखते हो कि जब आप लेज़र प्रिंटर में जब प्रिंट होके चीज़ें बाहर आ रही होती हैं ना, पेजेस बाहर आ रहे होते हैं, तो वो पेजेस एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं, तो वो चिपकने की वजह ये होती है क्योंकि उस पेज के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस बच गए होते हैं, क्योंकि इस पेज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस एक तो वो थे ना जिन्होंने टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो वो तो पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे ये चीज़ बच गई थी, तो जब इमेज आएगी वो उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हो गए, लेकिन जब आप उस पेज को आप यहाँ पे उठाते हो और अगर आप ग्राउंडेड हो, जमीन के साथ टच हो रहे हो, तो ये पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंडेड हो जाते हैं, तो ऐसे जी इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो या शॉक लगे। ठीक है, अच्छा, अब काफ़ी हद तक हम फोटोकॉपियर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट मसला ये है कि ये जो इमेज आई है ये पाउडर की फॉर्म में, ये इमेज अभी भी किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसका हल क्या निकालेंगे, इस इमेज को मैंने परमानेंट करना है। देखो, अगर इसी तरह की इमेज बाहर होके आपके पास यहाँ पे आ जाए ना, जो कि बाज़ दफ़ा फोटोकॉपी की मशीन में प्रॉब्लम हो भी जाता है कि प्रिंटर प्रिंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंट होकर चीज़ बाहर आ रही है ना, उसको अगर आपका हाथ लगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो वो मसला ये है कि ये इमेज पाउडर की फॉर्म में ख़राब हो सकती है। तो लास्ट ये प्रॉब्लम होगा कि इस इमेज को मैंने परमानेंट करना है कि हाथ लगने से भी ख़राब ना हो, तो वो लास्ट पॉइंट है इसकी वर्किंग का, वो है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब इस टोनर को मैंने उस पेज के साथ फ्यूज्ड कर देना है, फ्यूज मतलब चिपका देना है। ठीक है, अब चिपकाने के लिए मैं किस चीज़ की हेल्प लूंगा, मैं हीटेड रोलर्स की, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। तो हीटेड रोलर्स क्या करेंगे, ये जो पाउडर की फॉर्म में टोनर है ना, इस टोनर को मेल्ट करेगा और मेल्ट करके टोनर को इस पेज के फैब्रिक्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। तो अभी तो देखो, अभी तो ये पाउडर है ना, ये इस पेज की सरफेस पे प्रेजेंट है थ्री की फॉर्म में। तो हीटेड रोलर्स क्या करेंगे, इस टोनर को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके वो टोनर को पेज के अंदर, पेज के अंदर जो चीज़ होती है फैब्रिक्स, पेज जो है फैब्रिक से मिलकर बना होता है, तो वो उस पेज, उस टोनर को उस पेज के फैब्रिक्स के अंदर ले जाएगा। तो बेशक अब आपका उस पेज के ऊपर हाथ भी लगे तो वो इमेज ख़राब नहीं होगी। तो लास्ट यही है कि लास्ट दब आपके पास यहाँ पे आपके पास जो अब जो चीज़ थी ना आपके पास यहाँ पे टोनर जो था, वो टोनर क्या करेगा, वो हीटेड रोलर से पास होगा, और ये हीटेड रोलर जो होते हैं प्रेशर आपके पास रोलर्स होते हैं, मतलब ये उन पेज को प्रेस भी कर रहे होते हैं ताकि वो जो टोनर है वो पेज के अंदर उसके फैब्रिक्स में चला जाए। तो वो लास्ट में हीटेड रोलर्स में से पास होगा, और वो हीटेड रोलर्स क्या करेंगे, वो हीटेड रोलर्स ये काम करेंगे विच मेल्ट्स द टोनर इनटू द फाइबर्स ऑफ द पेपर एंड प्रोड्यूस द फिनिश्ड कॉपी। फिनिश्ड कॉपी मतलब अब ये वो पेज प्रिंट होके आएगा जिसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो, जब आप बाज़ दफ़ा फोटोकॉपियर में से जब वो पेजेस निकल रहे होते हैं काफ़ी सारे एक साथ, तो वो पेजेस काफ़ी गर्म हुए हुए होते हैं, तो गर्म होने की वजह यही होती है कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में हीटेड रोलर्स में से गुजर रहे होते हैं, तो हीटेड रोलर्स में से गुजरने की वजह से उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हुए हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन होता है कि सर, वो जो टोनर है वो हीटेड रोलर्स के साथ मेल्ट होके क्यों नहीं चिपका, मतलब टोनर उस पेज के साथ तो अटैच हो गया, चिपक गया, लेकिन हीटेड रोलर्स के साथ क्यों नहीं चिपका। तो हीटेड रोलर्स के साथ इसलिए नहीं चिपका, हीटेड रोलर्स के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई होती है। ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग होने की वजह से वो टोनर हीटेड रोलर्स के साथ कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। ठीक है, यही मैंने कहा, बिकॉज टेफ्लॉन आपके पास कोटिंग ऑन द रोलर्स प्रिवेंट्स द पेपर एंड टोनर स्टिकिंग टू द ड्रम। तो ना पेज उस चीज़ से चिपकता है
और ना आपका जो पेपर है ना टोनर, ड्रम से चिपकते ही नहीं है आपके पास, सॉरी ड्रम या टेफलॉन आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे रोलर्स हैं, तो ना रोलर्स टोनर से चिपकते हैं ना वो इससे चिपकते हैं पेपर से. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टेफलॉन की कोटिंग हुई भी होती है. तो ये सारा प्रोसेस था फोटोकॉपियर के बारे में. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लेज़र प्रिंटर होगा, और लेज़र प्रिंटर तकरीबन 80-90% फोटोकॉपियर ही है. कुछ माइनर सा डिफरेंस है, एक तो सोर्स ऑफ लाइट का डिफरेंस आएगा, इसमें हम हेलोजन लैंप यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट यूज़ करेंगे. ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो, और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई या बाय मिस्टेक मुझसे कोई लिखने में या बताने में अगर मिस्टेक हो गई है, तो लाजमी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.